इन फेमस कंपनीज के फ्यूचर प्रोडक्ट्स के बारे में आपको भनक भी नहीं थी। कैसे इस भालू की वजह से इस देश के पूरे गवर्नमेंट गिर गई थी। कैसे आप अपनी घर की चीनी को यूज करके अपनी गाड़ी हमेशा के लिए फ्री में चला सकते हो। और इन यूट्यूबर्स के कॉपीज को देखकर आप असली और नकली में कंफ्यूज हो जाओगे। भाई वीडियो को 3 गिनने तक लाइक कर दो, वरना मैं आपका पूरा मैगी खा जाऊंगा। 1, 2, 3 आपने कर दिया होगा, तो स्टार्ट करते हैं। आखिर कैसा होगा कि किसी गेम में जिस कैरेक्टर को आप मार रहे हो वो रियल लाइफ में भी मर जाए, क्योंकि ऐसा ही एक गेम में होता है। लेकिन इसका ऑपोजिट Assassin's Creed एक ऐसा गेम है जिसमें आप जिन कैरेक्टर्स को मारते हो हिस्ट्री में वो लोग मरे हैं, और वो भी सेम डेट को। इस बात से आप ये समझ सकते हो कि गेम्स को कितनी एक्यूरेसी के साथ बनाया जाता है। नंबर 16, सोचो कैसा होगा अगर आपका फोन ही ड्रोन बन जाए। वेल फ्यूचर में ये भी होने वाला है। वीवो ने बहुत ऐसे सारे पेटेंट्स अपने नाम करवा लिए हैं जिसमें फोन का कैमरा निकल कर ड्रोन की तरह हवा में उड़ेगा, जिसे यूज करने में सच में बहुत ज्यादा मजा आएगा। लेकिन देखते हैं ये कब तक लॉन्च होता है, या सिर्फ ये किताबों में ही रह जाएगा। नंबर 15, बॉलीवुड और हॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज में आपने इस ब्रिज को देखा होगा, जिसे शायद आप भी लंदन ब्रिज के नाम से जानते होंगे। लेकिन आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि असल में ये लंदन ब्रिज नहीं है, बल्कि इसका नाम तो टावर ब्रिज है, और रियल लंदन ब्रिज कुछ इस तरह का दिखता है। नंबर 14, मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितने टाइम में इंस्टाग्राम कितना डेटा पी जाता है। तो अगर आप रील्स देख रहे हो तो 64 MB आपकी 10 मिनट में साफ हो जाएगी, और एक घंटे में लगभग 400 से 600 MB। लेकिन ये डेटा आपके नेट की स्पीड पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि स्पीड अच्छी होगी तो सारी वीडियो ऑटोमेटिकली हाई क्वालिटी में चलेंगी, जिससे डेटा ज्यादा यूज होगा। लेकिन इंस्टाग्राम में इस चीज के लिए अब तक कोई ऑप्शन नहीं दिया है। क्या आप भी इस ऑप्शन को चाहते हो, कमेंट में जरूर बताना। नंबर 13, अमेरिका में चॉकलेट को करेंसी के तौर पर यूज किया जाता था। मतलब अभी जो जो बर्डन है वो चॉकलेट को करेंसी की तरह यूज करते हैं। मैं मजाक कर रहा हूँ। लेकिन जब एस्टेक, जो कि एक टाइप का एथनिक ग्रुप था, ये जब माया अमेरिका को जीतना शुरू किए थे तो उन्हें कोकोया बहुत पसंद थी, लेकिन उनके यहाँ ये नहीं उगती थी, इसलिए वो मायंस के साथ चॉकलेट से ट्रेड करते थे एज ए करेंसी। मायंस भी एक टाइप का एथनिक ग्रुप था जो कि उस टाइम पर एस्टेक्स के साथ एग्जिस्ट करते थे। नंबर 12, इस दुनिया में एक जानवर है जो कि इंग्लिश समझता है, वो है डॉग। डॉग्स कुछ बहुत प्यारे और कुछ बहुत खतरनाक है, लेकिन जिन डॉग्स को बचपन से इंग्लिश सिखाई जाती है और उन्हें ट्रेन किया जाता है, वो कुछ हद तक वॉइस की टोन से इनडायरेक्टली लैंग्वेज को समझ सकते हैं। वैसे अब आप अपने डॉग को क्या सिखाने वाले हो। नंबर 11, जंगिस खान को सबसे ज्यादा बड़ा और नेचर से प्यार करने वाले राजा जैसा माना जाता था, क्योंकि उसने इतने सारे लोगों का कत्ल किया कि उसके टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अर्थ पर बहुत नीचे आ गया था। मुझे तो लगता है कि थानोस के चाचा का लड़का था। नंबर 10, क्या आप जानते हो इस दुनिया में ऐसा कोई भी कॉन्टिनेंट नहीं था जहाँ डायनासोर ना रहे हो। बहुत लोग कहते हैं कि अंटार्कटिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट था जहाँ डायनासोर नहीं थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ तक कि अंटार्कटिका जैसे बर्फ से ढकी हुई जगह पर भी डायनासोर एंड मोसल्स एंड प्लीसियोस जैसे डायनासोर रहा करते थे, लेकिन एक पत्थर ने बेचारों की पुंगी बजा दी। नंबर 9, अगर आसपास कोई फुटपाथ है जो गर्मी में 148 डिग्री फारेनहाइट तक गर्म हो जाती है, तो आप उस पर एक अच्छा खासा ऑमलेट बना सकते हो, जैसे डिट्टो एक तवे पे बनता है। मतलब ऐसा वैसा ऑमलेट नहीं, एक एक्चुअल पका हुआ ऑमलेट आप बना सकते हो। ऐसे ऊपर थोड़ी धूल मिट्टी हो सकती है, लेकिन गैस तो बची रही है ना। नंबर 8, एक एस्पिरिन आपको हार्ट अटैक से कैसे बचा सकती है। असल में हार्ट अटैक मोस्टली तब आता है जब ब्लड वेसल्स के अंदर प्लैक जमा होने की वजह से, जिस वजह से ब्लड भी जमने लगता है, और जब ये चीज ज्यादा बढ़ जाती है तब ब्लड वेसल्स में से दिल से खून दिमाग तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन अगर आप डेली एस्पिरिन खाते हो तो ये आपके ब्लड को क्लॉट होने से रोकेगी, जिससे हार्ट अटैक का रिस्क बहुत कम हो जाएगा। नंबर 7, आखिर कैसे ये छोटी सी चीज आपको अमीर बनाने से रोक रही है। क्योंकि आपने कभी गौर किया होगा तो आपने देखा होगा गरीब लोगों के पास टीवी तो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन लाइब्रेरी के नाम पर कुछ नहीं होता, जबकि अमीर लोगों के पास टीवी तो उतने बड़े नहीं होते, लेकिन लाइब्रेरी बहुत ज्यादा बड़ी मिलेंगी। तो आज से आप भी बुक्स रीड करना शुरू कर दो, क्योंकि बुक्स को ऐसे ही ओशन ऑफ नॉलेज नहीं कहा जाता। नंबर 6, ब्राजील में एक ऐसा फ्यूल यूज किया जा रहा है जो शायद इलेक्ट्रिक कार्स को भी फेल कर देगा। ब्राजील में खरीदे जाने वाली 92% कार्स डीजल या पेट्रोल की नहीं, बल्कि इथेनॉल से चलने वाली है, जिसे शुगर केन यानी कि गन्ने से बनाया जाता है। पेट्रोल से भी सस्ता है एक्चुअली, और इसलिए वहाँ इसे बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, और शायद जल्द ही दूसरे कंट्रीज में भी ये देखने को मिलेगा। नंबर 5, ये चीज ज़ॉम्बी अटैक से भी ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि 2019 में रशिया के अंदर स्टेट इमरजेंसी को लगा दिया गया था, क्योंकि आर्टिक में रहने वाले 50 पोलार बियर इंसानों के पास रशिया की एक जगह बेलूसिया गुबा में
में आ गए थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पोलार बियर की हाइट 11 फीट तक भी होती है और ये बहुत डेंजरस होते हैं। लेकिन ये आ क्यों रहे थे? असल में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आइस पिघल रही है, जिस वजह से इन्हें खाना ढूंढने में बहुत परेशानी आ रही थी, तो खाने की तलाश में ये इंसानों के पास इतनी पास पहुंच गए। नंबर 4, वैसे क्या कभी आपने पेंसिल का ये हाल किया है? वैसे ऊपर वाला हिस्सा सच में कुछ सोचने का काम आता था और नीचे वाला लिखने के। लेकिन मेरे कुछ दोस्त ऐसे भी थे जो पेन के कैप को ही चबाया करते थे। वैसे क्या आपने भी ऐसा किया है? कमेंट में जरूर बताना। वैसे ये मैं भी करता था। नंबर 3, आपने कभी सोचा नहीं होगा कि मैथमेटिक्स के टीचर अपना बर्थडे कैसे मनाते हैं? अगर नहीं देखा तो इसे देखो भाई, आप अच्छी तरह से देख सकती हो कि ये सर जी कैसे नाप तोल पर केक काटने में लगे हैं। मुझे तो लगता है कि अगर इस हिसाब से ये केक काटेंगे तो 2-4 साल उम्र और बढ़ जाएगी। नंबर 2, चीप कॉपीज ऑफ यूट्यूबर्स। आखिर कैसे मिस्टर बीस्ट को कॉपी करने के चक्कर में ये बंदा अपनी जान दे बैठा? जैसे कि आप सब जानते हो, मिस्टर बीस्ट अपने बिल्कुल यूनिक आइडियाज के साथ वीडियो बनाते हैं, और ऐसे ही उन्होंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें वो खुद को जिंदा दफना देते हैं 50 घंटों के लिए। तो इसी से इंस्पायर होकर एक इंडियन यूट्यूबर जिनका नाम निक्कू व्लॉग्स है, उन्होंने भी ये सेम चीज करने की सोची और एक गड्ढा खुदवाया और उसमें चले गए। लेकिन वहाँ बहुत जोर से बारिश होने की वजह से पानी अंदर चला गया और बहुत मुश्किल से वो बाहर आ पाए। 5 मिनट क्राफ्ट्स, भाई इस चैनल पे आपको सब मिलेगा बस 5 मिनट के वीडियोस को छोड़कर। और इनके चैनल पर 80 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, पता नहीं कौन से बच्चे इन्हें सब्सक्राइब करके बैठे हैं। लेकिन भाई क्या आप जानते हो कि ऐसे ही यूट्यूब पर इतने सारे चैनल्स है कि आप सोच भी नहीं सकते, जो ऐसे ही सेम टाइप के वीडियोस बनाते हैं सेम आइडिया के साथ, वो भी बिल्कुल सेम वे में। लेकिन मुझे अब तक ये समझ नहीं आया कि इन वीडियोस को देख कौन रहा है। स्टॉक ट्विंस के यूट्यूब पर 2 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है, सबके मुझसे ज्यादा ही है यार, इसलिए सब्सक्राइब कर दो चैनल को अभी। मिस्टर बीस्ट की इस वीडियो को देखो, आई एट द लार्जेस्ट पिज्जा इन द वर्ल्ड, जिसे 1 अगस्त 2020 में अपलोड किया गया था। लेकिन उसके बाद आप खुद यूट्यूब पर जाकर देख सकते हो कि भाई इसे कैसे इन्होंने सीधा कॉपी कर लिया है। नंबर 1, टेस्ला एक आउट ऑफ द वर्ल्ड कार को लॉन्च करने वाला है। 2017 में टेस्ला की 2 सीटर स्पोर्ट्स कार रोडस्टर ने अपना डेब्यू किया था, जिसके बाद इलॉन मस्क ने कहा था कि 2024 के जून तक रोडस्टर की नेक्स्ट जनरेशन आपको मिल जाएगी। लेकिन अभी तक इसका लॉन्च होना बाकी है। और भाई ये जो रोडस्टर का नेक्स्ट जनरेशन आएगा, ये सच में किसी अजूबे से कम नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने इसका बस प्रेजेंट मॉडल ही देखा है तो आपको पता होगा कि ये कार कितनी फास्ट है, तो सोचो इसकी नेक्स्ट जन कैसी होगी। आपको पता होगा कि मैगी नेस्ले का प्रोडक्ट है, लेकिन नेस्ले ने 5,000 करोड़ रुपए इंडिया में इन्वेस्ट करने का सोचा है और एक ऐसा प्रोडक्ट लाने की सोच रहे हैं जो मीट को टाटा बाबा कहने पर मजबूर कर देगा। जैसा आप सब जानते हो, इंडिया मोस्टली एक वेजिटेरियन कंट्री है, लेकिन ये भाई साहब जानते हैं कि मीट से कितना प्रोटीन मिलता है। लेकिन इंडिया में प्लांट बेस्ड मीट बनाने में बहुत सारी कंपनी लगी हुई है, जिसमें विराट कोहली की कंपनी ब्लू ट्राइब भी है, क्योंकि सब जानते हैं इंडिया इस चीज के लिए कितना बड़ा मार्केट है। रोल्स रॉयस की ये फ्यूचर कार आपकी बोलती बंद कर देगी। रोल्स रॉयस 103X नाम की एक कार आने वाली है, इसमें ना ही कोई स्टीयरिंग है और ना ही ज्यादा बटन्स, सब चीजें वॉइस से कंट्रोल होती हैं। और इसका डिजाइन भी बहुत सारा कंफर्टेबल बनाया गया है, जो सिर्फ बहुत ज्यादा रिच लोग के लिए होगा, क्योंकि आप सब जानते हो रोल्स रॉयस कितनी एक्सपेंसिव है। कितना भी टाइम हो जाए, लेकिन आईफोन और किडनी जोक्स कभी भी पुराने नहीं होंगे, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स का प्राइस इतना ही ज्यादा होता है जिसके लिए आम आदमी को किडनी बेचनी पड़ जाए। और जल्दी वो अपना एक हेडसेट लॉन्च करने वाले हैं। इस हेडसेट में 12 कैमरेज और 6 माइक्रोफोन है, जिससे ये अपने चारों तरफ से 3D दुनिया बना सकता है। और इसके अंदर आपकी आंखों के सामने 2 बिल्कुल हाई एंड 4K से भी ज्यादा वाले डिस्प्ले लगे हुए हैं, जिसे बताया जा रहा है 2024 के स्टार्ट में लॉन्च किया जाएगा। साथ ही ऐसे लीक्स भी हैं कि एप्पल फोल्डिंग आईफोन पर भी काम कर रहा है। और इलेक्ट्रिक कार्स तो आप सब जानते हैं कि सारी बड़ी कंपनीज ये बनाने में लगी हुई है, चाहे वो शाओमी हो या एप्पल। भाई ये तो आपने जान लिया, पर क्या आपको ये पता था कि मुकेश अंबानी क्या चीजें खाते हैं और कैसे हमें टीचर्स बोर्ड पे ये लिख के बचपन से उल्लू बनाते आ रहे हैं, और कैसे सिर्फ इतना करके बारिश को आप सिर्फ अपने घर के ऊपर करवा सकते हो। भाई वीडियो इतना गजब का है ना कि इसे आप पूरा देखोगे, तो इस वीडियो को अभी जाके देखो। और हाँ, ये वीडियो को लाइक करके ही जाना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी कर लो यार। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।